तो गाइस काफी सारे लोग हमें हमारे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करके हमसे पूछ रहे हैं कि यार तुम ग्राफिक कार्ड्स को तो बता रहे हो कि बहुत महंगे हो रहे हैं और अनअफोर्डेबल हो रहे हैं, आउट ऑफ बजट जा रहे हैं, तो बट अगर हम वो नहीं खरीद रहे तो उसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव। तो मैं सभी लोगों को ये बता रहा हूं कि आप एपीयूज के साथ भी जा सकते हैं, एएमडी लेटेस्ट 5000 सीरीज के एपीयूज आपको सिंस अगस्त मार्केट में देखने को मिल रहे हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं। बट गाइज ये एपीयूज सबके लिए नहीं होते, तो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसी वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से लोग ये एपीयूज यूज कर सकते हैं, और अगर वो लोग ये एपीयूज यूज कर रहे हैं तो उसके साथ क्या कॉन्फ़िगरेशन उनको बनानी चाहिए। तो इसी के साथ गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स, मिलते हैं आगे। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और जरूर दबाइए उस बेल आइकन को भी, क्योंकि दबा लो यार, क्या है अब उसमें क्या बिगड़ जाएगा, हमारी वीडियो आ जाएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन ही आ जाएगी आपके पास, और हम ट्राई करते हैं कि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज आपके लिए लाते रहें। तो गाइज अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है कि अगर आप एपीयूज चूज कर रहे हैं तो कौन से एपीयूज आपको चूज करने चाहिए और कौन से एपीयूज से आपको बहुत दूर रहना चाहिए, और साथ ही में गाइज अगर जो लोग एपीयूज चूज कर रहे हैं तो उनके साथ क्या क्या पेरिफेरल्स या क्या क्या पार्ट्स के साथ उनको जाना चाहिए। तो इसी के साथ गाइज मैं आपको ये भी बता दूं कि एपीयूज सबके लिए नहीं होते, वो लोग जो फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड ऐड करने की सोच रहे हैं या अपने पीसी पार्ट्स को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं वो लोग एपीयूज के साथ जा सकते हैं, बट अगर वो लोग जो एक हाई एंड गेमिंग करना चाहते हैं या चाहते हैं कि कम से कम में ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस उनको मिल जाए तो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली ये एपीयूज नहीं है। तो गाइज अगर अब हम एपीयूज की बात करें तो लेटेस्ट एपीयूज एएमडी की तरफ से आने वाले राइजन 5 5600G और राइजन 7 5700G आए थे। अगर 5600G की प्राइस की बात करें तो ये आपको अराउंड 25 से 26 हज़ार की रेंज में इजीली मिल जाएगा, और 5700G की बात करें तो अराउंड 32 से 33 हज़ार की रेंज में आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये। तो गाइस 5600G आपको अराउंड 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ देखने को मिलेगा, और 5700G आपको अराउंड 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर मैं बताऊं इन दोनों में से चूज कौन सा किया जाए तो आप आंख बंद करके 5600G को चूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की परफॉर्मेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, और बेसिकली 5700G को लेना कोई सेंस बनता भी नहीं है, क्योंकि अगर उसी परफॉर्मेंस पे आपको अराउंड 25-26 हज़ार में सेम प्रोसेसर मिल रहा है तो आई जस्ट डोंट नो कि एएमडी ने उसको एक्चुअली लॉन्च भी क्यों किया। तो गाइज अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप एक एपीयू के साथ जा रहे हैं और वो अगर 5600G है तो उसके साथ कौन से पार्ट्स आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज सबसे पहले बात कर ले मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड में कोई भी AM4 सॉकेट का मदरबोर्ड आप यूज कर सकते हैं, A320 टाइप मदरबोर्ड के साथ मत जाइए, आप मिनिमम B450 टाइप मदरबोर्ड ही चूज करिए। बट गाइस क्या होगा कि कुछ ऐसे मदरबोर्ड्स हैं B450 में भी जिनको हो सकता है कि आपको एपीयू के साथ बायोस अपडेट करना पड़े, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कुछ ऐसे मदरबोर्ड्स भी आते हैं मार्केट में जिनमें बायोस अपडेट नहीं करना पड़ता, जैसे कि गीगाबाइट की तरफ से आने वाला B450M DS3H V2 मदरबोर्ड, इसमें आपको किसी भी टाइप का कोई बायोस अपडेट नहीं करना पड़ेगा और एक माइक्रो ATX टाइप मदरबोर्ड है तो आप एक छोटी कैबिनेट में भी इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको एक M.2 स्लॉट भी देखने को मिलेगा जिसमें आप एक NVMe SSD भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से तो आपको वो सब इसमें देखने को मिलेगा जो आप एक APU के साथ यूज कर सकते हैं अपनी कंप्यूटर के अंदर। तो गाइज इसके अलावा आप एक B550 टाइप मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हैं अगर आप अपने कंप्यूटर को थोड़ा फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं, उसमें लेटेस्ट फीचर्स चाह रहे हैं, थोड़ा सा आपका बजट आपको पॉकेट अलाउ कर रही है आपकी, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट मिनिमम B450 तो आपको यूज करना ही चाहिए। तो गाइज अगर रैम की बात करें तो मिनिमम 8GB रैम तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बिल्ड में जरूर यूज करें, बट हम इस बिल्ड में कम से कम 16GB रैम तो यूज करने ही वाले हैं, जिसमें हम 8 8GB की दो रैम स्टिक्स यूज करेंगे। G-Skill की तरफ से आने वाली ट्राइडेंट जी 8GB रैम स्टिक्स, ये काफी अच्छी तेज रैम्स है, अराउंड 32 MHz तक की क्लॉक स्पीड इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइज अगर स्टोरेज की बात की जाए तो हम SSD यूज करेंगे, इसमें सैमसंग की तरफ से आने वाली NVMe SSD जो इसके M.2 स्लॉट में भी लगेगी, और इसी के साथ गाइज अगर आपकी स्टोरेज नीड्स थोड़ी ज्यादा है तो आप एक हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं, मिनिमम 1 TB तो हार्ड डिस्क में आपको रेकमेंड करूंगा ही। तो गाइज अगर आगे बढ़े तो बात आती है पावर सप्लाई की, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस सेटअप के साथ मिनिमम 500 वॉट्स की तो पावर सप्लाई आप यूज करें ही, तो मैं यहां पर यूज करने वाला हूं एंटेक की तरफ से आने वाली एटम 550 वॉट पावर सप्लाई।
अगर आपको कोई बेटर पावर सप्लाई भी मिल रही है तो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप अपने सेटअप को थोड़ा फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो आप इससे हैवी पावर सप्लाईज में भी जा सकते हैं। अराउंड 750 से 800 वाट की गोल्ड रेटेड 80+ पावर सप्लाई के साथ आप जा सकते हैं, जिसमें कि आप इन द फ्यूचर एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी ऐड कर सकते हैं, चाहे वो एक 3060 Ti हो, 3070 Ti हो, 3080 तक भी आप 800 वाट पे इजीली ऐड कर सकते हैं। तो इट इज एब्सोल्युटली योर चॉइस कि आप किसके साथ जा रहे हैं, आपका बजट क्या है और आपका पर्पस क्या है बिल्ड बनाने का। तो गाइज अब बात आती है कैबिनेट की, तो कैबिनेट तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं गाइज, आपका अपना बजट है, अपनी चॉइस है, अपनी प्रेफरेंस है, उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। हम लोग इस बिल्ड में कूलर मास्टर की MB511 ARGB कैबिनेट के साथ जाएंगे, जो कि हमारे कस्टमर की डिमांड थी। तो अब ये इट इज ऑल अप टू यू कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो भी मैंने आपको सेटअप बताया है, इसकी टोटल बिल्ड कॉस्ट अराउंड 50 से 52 हज़ार रुपए तक रहेगी। तो अगर आपका बजट इतना है आप इजीली इसके साथ जा सकते हैं। कुछ चीजें हैं जिनके साथ आप कट डाउन करके 1000, 2000, 3000 रुपए बचा सकते हैं इसमें, बट आई डोंट थिंक इट इज वर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग विद द परफॉर्मेंस ऑफ द सेटअप। तो गाइज एंड करने से पहले मैं आपको फिर से रिइटरेट कर दूं कि 5700G को कभी भी चूज मत करिए, क्योंकि आई डोंट थिंक इट इज वर्थ द अमाउंट ऑफ मनी दैट बी स्पेंडिंग। और सेकेंडली गाइज, वो लोग जो एक APU सेलेक्ट कर रहे हैं, मैं उनको फिर से बता दूं कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड वाला नहीं होगा, आपको ग्राफिक्स से कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ गाइज, अगर आप भी कोई प्रीबिल्ड PC बाय करना चाहते हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। वी आर कमिंग अप विद अ न्यू वेबसाइट एंड इट वुड बी लॉन्च्ड सून, मे बी नेक्स्ट वीक और मे बी इन 10 डेज, देखा जाएगा गाइज। बट हम लोग बहुत सारे प्रीबिल्ड PCs लेकर आएंगे, दैट वुड मेक योर जॉब टू चूज अ PC मच इजियर। इसी के साथ गाइज इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं।